अरे ये जब डॉक्टर नहीं हमारा साथ आ जाएगा ना, अरे हम बिल्कुल बदल जाएंगा। हाँ दादा ये बात तो है। अरे जो अपना सेठ नहीं है, अरे वो भी बड़ा आशिक मिजाज है, अरे उसको उस लड़की पे दिल आ गया। कौन सा? वो मैडम जो उसके साथ होता था। अगर वो नहीं मानता है तो फिर कल कोर्ट चले जाएंगे। एटलीस्ट कम से कम वो फैसल को बेल तो दिलवा दे। उसके घर वाले बुजुर्ग हैं बेचारे, कितना परेशान हो रहे हैं किस तरह से। कम से कम बाहर तो आ जाए ना। हाँ मैडम, हम लोग भी परेशान ही हैं। ठीक है फिर सुबह ही बात होती है, मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। यही तो मैं सोच रही हूँ। देखें अगर इस तरह वो मेरे और उरूज के रिश्ते पे सवाल उठाएंगी, कहीं दूर ना हो जाए मुझसे हमेशा के लिए। इवन कि उन्हें मम्मा कहने पर भी एतराज़ है। उरूज को? नहीं रिदा को। उरूज ने जब बताया कि मम्मा के साथ गई थी शॉपिंग पे, तो कहने लगी ओ शॉपिंग करवा दी तो मम्मा कह रही हो। रिश्ता तो सबका एक ही होता है ना, सौतेली माँ वाला। बस थोड़ा सा रवैये का फर्क होता है जिसको जितना मौका मिले। लेकिन यार तुम कुछ भी कहो, मुझे ये खातून बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब इनकी बातों में, एटीट्यूड में बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मान लें तो। आप इतना फोर्स क्यों कर रही हैं मुझे? ठीक है सदाम साहब, फिर मैं काम करती हूँ, मैं एक लॉयर हायर कर लेती हूँ। और कोर्ट चली जाती है? बस हम सामने आमने बैठ के एक दूसरे से लड़े होंगे और यही होगा। बेहतर नहीं है कि हम बैठ के तमाम मामलात को तय कर लें? हम बोल लिया था लेकिन फिर हमको याद आया तुम्हारा तो सिलेक्शन है फुटबॉल के लिए। हाँ यार मगर। अरे मगर कुछ नहीं, हमको पता है तुम फैसल के लिए परेशान है, लेकिन फैसल भी परेशान होगा अगर तुमने ये चांस मिस कर दिया ना, या तुम नहीं गया सही से परफॉर्म नहीं किया तो। अम्मा नादिर भाई का तो तुमको पता है, हर किसी से तो वो लड़ता झगड़ता है, तभी तो उसका किसी से बनता बनता नहीं है। अब अगर हम दोनों भी उसकी बात सुनेगा ना तो पूरा लियारी में हम दोनों अकेला रह जाएगा। वैसे भी उसका वजह से कोई मिलता जुलता भी नहीं है हमसे। बात तो ठीक कर रहे तुम, हम भी यही सोचे है अभी लोगों से मिलेगा जुलेगा, तुम्हारा शादी भी तो करना है। हाँ मैडम, हम वो कोर्ट की तरफ निकल रहा था तो हमने सोचा आपको बता दे। आप वो वकील से बात कर लो ना थोड़ा। नहीं नहीं अभी आप कोर्ट ना जाएं। सद्दाम साहब मेरे पास आ रहे हैं, उनसे बात हुई है। हो सकता है हमारा काम हो जाए तो कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़े। सदाम साहब माफ कर दिया आपने इन्हें? सिफारिश इतनी बड़ी है कि क्या किया जा सकता है। अच्छी बात है, कहते हैं कि बदला लेने से माफ कर देने वाला ज्यादा बड़ा होता है। और वैसे मैं उसके दादा को जानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान है। वैसे तो रेपुटेशन इसकी भी बहुत अच्छी है, पढ़ा लिखा है। मैंने उसे माफ नहीं किया, आपने शायद मेरी बात गौर से नहीं सुनी। जी जी मैंने सुनी भी है और समझ भी ली। लड़के ऐसा करो कि फैसल को लेकर आ जाओ। यस सर। और कोई हुक्म मेरे लायक? समझ नहीं आ रहा मैं किन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूं। नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चलता हूँ, मुझे कोई काम है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
सदाम साहब ने केस वापस ले लिया है, अब हम जा सकते हैं यहाँ से। थैंक यू मैडम, मैडम आपका वजह से हमारा जान छूटा इस सबसे, वरना हमको तो लगता था कि वो हमको नहीं छोड़ेगा। जिस तरह उसने हमको फंसाया ना इस पूरा केस में, झूठा केस बना के, हमको लगता था कि अब हमेशा यही रहूंगा। फैसल ये बातें अभी नहीं करो यहाँ पे, यहाँ से चलो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी घर पे रास्ते में, आ जाओ। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू, आ जाओ। सब लोग बड़ा ही परेशान होएगा जब जेल में था। हम सब बहुत परेशान थे। आता है रे। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए आइए। वालेकुम अस्सलाम। अरे फैसल, अरे फैसल, अरे तुम लोग आ गए हो, अरे फैसल, अरे फैसल क्या माँ, अरे देखो कौन आया है। मैंने आपसे कहा था ना सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो गया। हमको पता था तुम हमारे लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। मारे बच्चे अल्लाह का लाख लाख शुक्र तुम आ गए, अल्लाह का शुक्र। अरे मामा आ गए, इनका वजह से ही आया। अरे इस लोग का भी शुक्रिया अदा करो, इसका वजह से हुआ ये सब कुछ। इसका तो हम जिंदगी भर ऐसा नहीं भूलेगा, भूल भी कैसे हो सकता है, हमारा बच्चा है बच्चा। अरे अम्मा चाय माय निकालो, मेहमान है घर पे, चाय माय नहीं पूछेगा। क्यों, आओ आओ चलो अभी हम पूछेगा, हम लेकर आते हैं चाय पानी। आओ आओ बेटा आओ। अल्लाह तेरा लाख लाख क्या, हम लोग बैठते हैं, हम लोग बैठते हैं, हम लेकर आते हैं चाय पानी, अभी हम ना मिठाई भी बांटेगा मोहल्ले में, चल ठीक है, बैठो मेरा बच्चा बैठो, अभी हम लाते हैं। अरे तुम लोग ने हम लोग को बड़ा एहसान किया, क्योंकि मैंने कोई एहसान नहीं किया आपके लिए, ये मेरा फर्ज था। पर फैसल जैसे लोग तो हमारे मुल्क का सरमाया है, हमें इनकी कदर करनी चाहिए, इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। मैंने अक्सर यही देखा है, छोटे छोटे इलाकों में बड़े बड़े लोग पैदा होते हैं और एक हमारे जैसे लोग हैं आराम परस्त होने की वजह से कुछ करते ही नहीं है। दरअसल हमारा एक बॉक्सिंग क्लब है और सईद हुसैन शाह, मोहम्मद अली खले, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के जितने भी बॉक्सर्स होंगे वो इन्हीं से मोटिवेशन लेते हैं। अरे आओ 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 आओ, बैठो इधर बैठो, हम इधर बैठते हैं। ये लो बेटा तुम्हारा चाय। बहुत शुक्रिया। अरे सईद हुसैन शाह बॉक्सर है, गुरबत से लड़के गया, छोटा उम्र में उसका बाप फोत हो गया। अरे मेहनत मजदूरी करता रहा, वो कचरे के वो बैग नहीं होते, उसको पंचिंग बैग बना के उस पर प्रैक्टिस करता रहा है। वो उसका जुनून था, हम बोलते हैं उतना जुनून लेकर आओ तो बड़ा आदमी बन जाएगा। जी 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 बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब देखिए लोगों के पास इतनी फैसिलिटीज होने के बावजूद भी लोगों का ऐसा जुनून तो है नहीं। अब लोग का फैसल में है ना। हाँ हाँ फैसल तो बहुत अच्छा खेल, माशाल्लाह तो इनका नाम भी है। दरअसल मैं सोच रही थी सिंगापुर में एक बॉक्सिंग कंपटीशन हो रहा है, अगर फैसल चाहे तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ जाएगा फैसल, और देखना हम लोग का फैसल जीत के आएगा, इस लियारी का नाम रोशन करेगा ये। जाहिर है लियारी भी तो पाकिस्तान का ही इलाका है, और हमें तो खुशी होगी, बल्कि हमारे लिए बहुत एजाज की बात है अगर ये खेलेंगे। हाँ सैयद हुसैन शाह के बाद हम लोग का फैसल इस लियारी का नाम रोशन करेगा। बस ये थोड़ा रिलैक्स हो जाए, थोड़ा आराम कर ले, फिर तसल्ली से बात करेंगे। अरे हम बोल रहे हैं खेलेंगे खेलेंगे ये,
बस तुम आने का इंतजाम करो। आप समझे, सारे इंतजाम हो गए। जी वो कहता था हमारा दादा आया उसके कब में, उसका कश्ती खींच के ले जा रहा है। हमने अब्बा की बात पे यकीन ही नहीं किया। हम समझा ये काब है, कुछ नहीं। काश हम अपने अब्बा को रोक लेता। सबर कर दिलावर, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, अब ये तो अल्लाह का मर्जी है। रातों को डर के उठ जाता था, हमको बोलता था कि हम मर जाएंगा, हम नहीं बचेंगा। हम उसको बोलता था तुमको कुछ नहीं होएगा, चुप हो जाता था। लेकिन उसको पता था कि उस घर में कुछ दिन का महिमा। तुम्हारा अब्बा हमसे रोज बोलता था कि बेटा हमको काब आया है, हम ज्यादा दिन नहीं रहने वाला। हमें तो लगता था ये सिर्फ काब है। वो कहता था हमारा दादा आया उसके काब में, उसका कश्ती खींच के ले जा रहा है। हमने अब्बा की बात पे यकीन ही नहीं किया। हम समझा ये काब है, कुछ नहीं। काश हम अपने अब्बा को रोक लेता। सबर कर दिलावर, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, अब ये तो अल्लाह का मर्जी है। रात को हम अब्बा को बोला, अब्बा बहुत परेशान है, हमारा शायद सिलेक्शन ना होवे। अब्बा ने पहली बार हमको फोर्स किया, नहीं तुम जाएगा, तुम खेलो, तुम सिलेक्ट होएगा। आज अगर हमारा अब्बा हमको देख लेता इतना खुश होता। चला गया हमारा अब्बा, चला गया। सबर रख दिलावर, सबर रख। चाचा के लिए दुआ करो सर। आमीन आमीन। अल्लाह ताला मरहूम के तमाम अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला इनको सब्र अता फरमाए, इनकी हर मुश्किल आसान करे। आमीन। बहुत मजे की चाय बनाई थी आपने। चले मैं बस चलती। हाँ ठीक है बाबा। तुम आना हमारे घर पे दोबारा। हाँ हमारा कोई बेटी नहीं है, कोई बच्ची हमको अम्मा बोलता है ना, तुमको बहुत अच्छा लगता है। आंटी बहुत शुक्रिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। जीते रहो बेटा, जीते रहो। चले आंटी मैं आऊंगी मिलने आपसे, फिर ख्याल रखिएगा। और बहुत सारी बातें तो ऐसी थी जो मैं जानती भी नहीं थी। अरे पुराना लोग है, बहुत सारा बातें ऐसी होती है जो लोगों को नहीं पता है। अरे तुम लोग का घर है, जब मर्जी आओ। देखो छोड़ के आओ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी जी काना माना भी इधर काना। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आते हैं माँ। आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अदा करने के लिए आपको मेरे ऑफिस आना पड़ेगा और मेरे साथ एक कप चाय भी पीनी पड़ेगी। अरे तो अभी चलो, हम रेडी है। अरे नहीं नहीं अभी नहीं, अभी अपने घर वालों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, फुर्सत से आइएगा। अब जब आप ऑफिस आएंगे तो आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? आप चलो, हम देख रहे हैं, आप गाड़ी में लगे। मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अब्बा
ए अब्बा आ जाओ अभी जल्दी, देर हो रहा है। हाँ बड़े कहाँ जा रहे तुम लोग? हाँ वो मेहमान लड़की आया था ना, तो उसके सामने हमने तुमको नहीं बताया। लेकिन क्या हुआ है? दिलावर का बाप बहुत हो गया। क्या भाड़े? लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक था, तो बीमार बीमार थोड़ी था। हाँ बीमारी नहीं था कोई, उसको उसका कश्ती डूब गया। अरे तो हम इधर क्या कर रहे हैं? हमको भी चलना चाहिए ना उधर। चलो आओ चलो। फैसल हमारा अप्पा मर गया है। फैसल हमारा अप्पा मर गया। अब अभी आया बस, वो कह रहा है आपको पता लगे फौरन तुम्हारे पास आया। हिम्मत करो फैसल, अल्लाह का मर्जी। हिम्मत करो बच्चा, हिम्मत करो। अरे तू हिम्मत करना। अरे तुम इस तरह रोएगा तो अम्मा का ख्याल कौन रखेगा? अब तुमको ही संभालना है उसको। क्या हो गया है? अब्बा नहीं है। अरे हमने अपने अब्बा को बहुत दुख दिया है, हमने कभी खुशी नहीं दिया उसको। तुम हमसे नाराज होएगा? नहीं बेटा नहीं। देखा जब किसी का बाप जाता है ना दुनिया से, बड़ा तकलीफ का बात है। अभी देखो हमारे बाप अब बहुत सालों पहले चला गया यहाँ से, अब अभी तक नहीं भूल सका है अपने बाप को। सब्र करो बेटा, सब्र करो, हिम्मत करो, सब अच्छा करेगा। अभी अभी तुम सब्र करेगा, घर का तुम ख्याल रखेगा, हम तुम्हारा दादा है, कोई बात हो गए हमको बोलो, कोई बात नहीं। सब्र करो बेटा मेरा बच्चा, सब्र करो, सब ने जाना है, सब ने जाना है। अरे पैसा चलो बेटा, बस बस बस, हिम्मत करो, हिम्मत करो बेटा, हिम्मत। चलो बच्चा लोग दुआ करो। आज हम सेलेक्ट हो गया पर हमारा बाप मौजूद नहीं है ये कुछ ही देखने को। हम तो है ना, हम तो है ना बेटा, हम तुम्हारा दादा मौजूद है। तुम्हारा बाप अच्छा जगह पे गया है। बड़ा दाड़े मार मार कर रो रहा था, बोलता था मरने से पहले उससे बार बार बोलता था कि वक्त तोड़े वक्त तोड़े। हमें सुना है कि दिलावर भी सेलेक्ट हो गया, बाहर मुल्क जाया करेगा खेलने के लिए। इस बात पर तो और रो रहा था, बोलता था बेटे का कुछ ही देख कर जाता। टीवी में भी दिखा रहे थे कि बहुत अच्छा खेलता है, सारा चैनल वाला उसकी खबर चला रहा था।
फैसल अब यतीम हो गया है फैसल, हमारा अप्पा मर गया है फैसल, हमारा अप्पा मर गया अब अभी है बस हो गया है अब कुछ पता लगे अब फौरन तुम्हारा पास आया हिम्मत करो पैसा अल्लाह का मर्जी दिलावर चाचा की वफात से बहुत अफसरदा है हम सब बहुत दुख में लेकिन क्या कर सकते हैं तो अल्लाह का हुक्म है बहुत मरना तो हम सबने है ना एक बात सोचा है पैसल तुमने ये गरीब को मौत कितना जल्दी आता है कितना सस्ता भी अभी सबर करो अभी क्या हो सकता है वो बड़ा लोग कहता है ना इंसान को उसका मरने से पहले पता लग जाता है उसका दुनिया में अब टाइम नहीं बचा है हमको पता नहीं था कि वो इतनी जल्दी हमको छोड़ के चला जाएगा वो कुछ दिनों से बहुत परेशान है वो रातों को डर के उठ जाता था हमको बोलता था कि हम मर जाएगा हम नहीं बचेंगे हम उसको बोलता था तुमको कुछ नहीं होएगा चुप हो जाता था लेकिन उसको पता था कि उस घर में कुछ दिन का महिमा अभी तुम सबर करो रो नहीं अभी तुम्हारा बेटा है तुम उसका माँ भी है बाप भी है उसका ख्याल करो भाई की अल्लाह माफ़रत करे उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे जिसका टाइम आएगा वो जाएगा हम तुम कोई भी नहीं रहेगा नबी वली ने ठहरा तो हम तुम क्या है सबर करो सबर कर हम क्या करेंगे उसके बगैर क्या करेंगे अच्छा हम चलता हूँ हाँ ठीक है फिर हम आएगा फिर दोबारा आएगा ठीक है हम भी जाता है बच्चा तुम भी हमारा साथ चलो हम तुमको घर छोड़ता है हम तोड़ दे कान्हा के पास है खुदा जाएगा तुम जाओ अच्छा ठीक है हम भी जाता हूँ फिर आएगा ठीक है अभी रोना नहीं खत्म करो अल्लाह सबर देवे तुमको अल्लाह उसका मगफिरत करे चलो रो नहीं क्या माँ इतना देर कर दिया आने में तुमने हमको बहुत डर लग रहा था अपना घर में डर कैसा वैसे तो नहीं लगता अम्मा लेकिन अभी चाचा की फौतकी का सुना है तब से हमको बहुत डर लग रहा है ऐसा हो जाता है अम्मा चाची तो बहुत ज्यादा रो रहा होएगा ना बड़ा दाड़े मार मार कर रो रहा था बोलता था मरने से पहले उससे बार बार बोलता था कि वक्त थोड़े अम्मा सुना है कि दिलावर भी सेलेक्ट हो गया बाहर मुल्क जाया करेगा खेलने के लिए इस बात पर तो और रो रहा था बोलता था बेटे का कुछ ही देख कर जाता टीवी में भी दिखा रहे थे कि बहुत अच्छा खेलता है सारा चैनल वाला उसकी खबर चला रहा था इधर हमारा पाकिस्तान में बहुत बड़ा बड़ा खिलाड़ी पड़ा हुआ है वो क्या नाम था उसका हमारा उमर मकरानी इतना बड़ा फुटबॉलर था कि दिलीप कुमार साहब उसका मैच देखने कलकत्ता आया था कौन सा मुल्क था
उसका टीम ने कोरिया को हरा दिया था। एक से एक खिलाड़ी पड़ा हुआ है, तुम क्या समझते है? हाँ अम्मा, बात तो तुम्हारा ठीक है, हमारे लियारी में बहुत टैलेंट है, सब लोग बहुत मेहनती हैं। बस एक तुम्हारा भाई को ही अक्कल नहीं है। वैसे अम्मा एक बात तो बताओ, ये नादर भाई के पास गाड़ी कहाँ से आया? कौन सा गाड़ी? अम्मा हमने उसको खुद देखा है गाड़ी में। कई चोरी करके तो नहीं लेकर आया? नहीं अम्मा, चोरी का तो नहीं हो सकता, लेकिन उसके पास ये गाड़ी आया कहाँ से, ये बात हमको समझ नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, हमको डर लगता है, वैसे ही है, कहीं कोई उल्टा सीधा काम करके ना लेकर आया हो। खैर, आएगा तो पूछेंगे, बात करेंगे उससे कहाँ से लेकर आया गाड़ी। अब नहाने जाता हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम तुमको इस तरह देख रहे हैं। अरे हमको पता है तुम हमारे लिए बहुत परेशान होगा, शायद ने हमको बताया, लेकिन हम क्या कर सकता था, हम मजबूर था। लेकिन पैसल, अब हमने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? अब तुम शायद से हमारे शादी की बात करो, हमारा MBBS भी कंप्लीट हो गया है। कसम ले लो, हमने भी अब हालात में सिर्फ यही सोचा था कि यहाँ से निकलते ही अम्मा से बात करूंगा। नहीं तो और, हमको तो हर वक्त यही डर लगा रहता है, कब तुम्हारी कौन सी मैडम दोस्त बन जाता है, कभी शांत से तुमको प्यार हो जाता है, कहीं हम इस तरह तुम्हें किसी दिन को ना दे, हमको बस यही डर लगा रहता है। अरे ये डर हम बहुत जल्द दूर कर दूंगा, बस अब हम अम्मा से और दादा से बात करता है, बस थोड़ा ये दिलावर संभल जाए तो फिर हम बात करता हूँ। दिलावर चाचा की वफात से बहुत अफसरता है। हम सब बहुत दुख में, लेकिन क्या कर सकते हैं, तो अल्लाह का हुक्म है, बहुत मरना तो हम सबने है ना। एक बात सोचा है पेशेंट तुमने, ये गरीब को मौत कितना जल्दी आता है, कितना सस्ता भी, कभी पानी में डूबकर मर जाता है, कभी कहीं करंट लग जाता है, कभी खाई में गिर जाता है, और कहीं कहीं ट्रक के नीचे आ जाता है। हाँ, गरीब रोजी रोटी के लिए रोज लड़ता है, और अमीर सुकून से आराम से अपना घर अपना ऑफिस में बैठा रहता है। हम अपने लोगों में शऊर बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो ना, इस नजर का हर लड़का कुछ ना कुछ करना चाहता है। अपने आप को देख लो, शाहिद को देख लो, और दिलावर, तमाम टीवी चैनल्स वाले बोलते हैं कि हमारा हीरा है हीरा, उमर मकरानी की तरह नाम बनाएगा। अरे और शकीला को देखो, इलाका में स्कूल बना दिया इस वास्ते कि सारे बच्चा लोग पढ़ जावे। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि हम तरक्की की राह पर चल रहे हैं। हाँ, तो हम तो ये सब कुछ कब से बोल रहे हैं कि सब कुछ अब बदलने वाला है, और काफी कुछ बदल भी चुका है। इंशाल्लाह बहुत जल्द सब कुछ बदल जाएगा, इंशाल्लाह। हम तुमसे एक बात पूछे? अरे एक क्या, दो पूछो दो। वो दरअसल तुम हमसे प्यार म्यार करते भी है या नहीं? अरे मेरा बात सुनो, हमारा तरफ देखो, अगर हम नहीं करता तो रात का इस पहर में सिर्फ तुमको देखने का वास्ते यहाँ नहीं आता। अच्छा, हम तुम्हारे लिए चाय बना के लाते हैं, तुम आराम से बैठो। मीठा ज्यादा। हमेशा से कहता था ना कि हम शादी नहीं कर रहे हैं, हम शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, तो मैं तुमको कहना चाहता है कि अब हम शादी कर रहा हूँ, करना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ।
हम तो तुमको बार बार बोलते हैं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अभी दिलावर के बाप को देखो कैसा चट करके मर गया, पता भी नहीं चला। हम तो सोचते हैं जब तक हम जिंदा है तेरा खुशी देख ले। बात तो ठीक है अम्मा, और फिर नौशीन का MBBS भी कंप्लीट हो गया है। नौशीन से करेगा तू? क्यों, तुमको पसंद नहीं है? अरे अभी किधर लेके जा रहा है तुम हमको? अरे अम्मा बैठो, आप छोड़ो, बैठो तुम, बैठो। उधर भी बैठा था, इधर भी बिठा रहा है हमको, क्या बात है? वो अम्मा, हमको तुमसे एक जरूरी बात करना है। हमेशा से कहता था ना कि हम शादी नहीं कर रहे हैं, हम शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, तो मैं तुमको कहना चाहता है कि अब हम शादी कर रहा हूँ, करना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। हम तो तुमको बार बार बोलते हैं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अभी दिलावर के बाप को देखो कैसा चट करके मर गया, पता भी नहीं चला। हम तो सोचते हैं जब तक हम जिंदा है तेरा खुशी देख ले। बात तो ठीक है अम्मा, और फिर नौशीन का MBBS भी कंप्लीट हो गया है। नौशीन से करेगा तू? क्यों, तुमको पसंद नहीं है? नहीं ठीक है, अच्छा लड़की है, मगर अगर मगर कुछ नहीं अम्मा, हमको शुरू दिन से बहुत अच्छा लगता है। हम उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। अब तुमने जब शादी का फैसला कर लिया तो हमसे क्या पूछता है? लेकिन अम्मा, तुम्हारा मर्जी के बगैर भी तो कुछ नहीं हो सकता है ना? हम तेरा खुशी में खुश है। अरे वाह, अरे वाह, अरे तुम लोग का कौन सा खुशी का बात होता है, हम लोग को भी शामिल करो अपना खुशी में। अब्बा इसको ना नौशी पसंद आ गया है, शाहिद से बात करो आप। अरे हाँ करेगा, क्यों नहीं करेगा, लेकिन तू भी हमारे साथ जाएगा। अरे तू माँ है इसका, क्यों नहीं जाएगा, हम तो जरूर जाएगा। कैसा कैसा खुश होता है। अरे लेकिन बेसल, पहले तेरे को सिंगापुर जाना है। सिंगापुर किधर है? अरे मुल्क से बाहर है। अरे लेकिन क्यों दादा? अरे बॉक्सिंग का इम्तिहान है, मैडम तुमको भेज रहा है, तो जाओ। हम जरूर जाएंगे दादा, जरूर जाएंगे। अरे वाह, ऐसा कैसा जाएगा, अभी शादी का बात करता है फिर बाहर जाने का बात करता है, इतना दूर जहाजों का सफर है, कुछ हो गया तो। दरअसल आपने मेरी बात मान के मुझे बहुत बड़ा एहसान, और मैं एहसान फरामोश तो हूँ नहीं, अपने मोहसिनों को मैं याद रखती हूँ। अच्छा लगा ये सुनकर। दरअसल मुझे आपको बताना ये था कि मैं लियारी में फलाही काम करना चाह रही हूँ। एक्चुअली मैं भी आपको इसीलिए फ़ोन कर रहा था, कुछ प्लान है मेरे जहन में जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। दिल बड़ा कर, तकलीफ मुझे तुझसे ज़्यादा है, लेकिन अब तुझको मुझसे ज़्यादा हिम्मत से काम लेना है। हम बताए जब बाप फौत होता है ना, तो दुनिया बेटे को उसकी जगह ले आता है और उसको वो सारे रिश्ते निभाना होते हैं जो उसके बाप ने छोड़े होते हैं। हम समझता है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है हमारे साथ, हम कोशिश कर रहे हैं समझने की, अगर ये एक दम से जो कयामत गुजरता है, खुद को संभालना बड़ा मुश्किल है। आप तो जानती हैं ना कि मेरी बहन शांजे का मर्डर लियारी में हुआ था, वो मुझसे नाराज होकर अपनी दोस्त तौशीन के पास लियारी ही गई थी। आलिया साहब, हमारी बहुत प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी की 50% पार्टनर जो है वो शांजे थी। अब मैं चाहता हूँ कि उसकी वो तमाम प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर दूँ, ताकि उसको भी सवाब मिलता रहे और मुझे भी ज़हनी सुकून हो जाएगा। आज ये लेटर आया है हमारे पास, बहुत बड़ा खुशखबरी है, तुम लोग सुनकर खुश हो जाएगा। अरे तो सुनाओ ना फिर। हमारा NGO रजिस्टर हो गया, बहुत बहुत मुबारक हो तुमको।
देख लिया, अल्लाह साथ दे रहे ना हमारे पिरा। हम बहुत खुश है आज तो। अरे अम्मी तुम दोनों को बहुत जल्दी कुछ खबरी सुनाएंगा, पसम अगर जीत गया। अच्छा हमने बड़ा कोशिश किया तुमसे बात करने का, लेकिन कभी तुम्हारा घर का लोग तुम्हारे साथ होता है या तो फिर तुम तो यहाँ नजर भी नहीं आता मुझे। और जो लोग रहते हैं वो चाहते हैं कि मैं कम से कम नजर आऊं। पर क्यों? क्यों का जवाब तो उन्हें ही मालूम होगा ना। मैडम अब आपका ये एहसान नहीं भूलूंगा, अगर हम कामयाब हो गया ना तो दुनिया के हर स्टेज पे हम एक ही बात बोलूंगा कि हमारा कामयाबी के पीछे आलिया जमाल का ही आते है। देखो कामयाब इंसान हमेशा अपनी मेहनत अपनी वजह से होता है क्योंकि वो इस काबिल होता है। हाँ ये है वसीला कोई ना कोई बन जाता है लेकिन मेहनत उसी की होती है। मुझे खुशी इस बात की है कि तुम्हारा वसीला मैं बनी हूँ। वो तो कुछ नहीं कह रही थी, हम ही उससे पूछ रहा था कि इतना चुप चुप क्यों रहती है। ओह इतनी फिकर, तो क्या जवाब दिया उसने? वो शायद थोड़ा कम गो है, पर हमको अच्छा लगता है उसका कम गो होना। अगर इतनी अच्छी लगती है तो शादी क्यों नहीं कर लेते आप उससे? कुछ भी नहीं है नामुमकिन, सबसे आगे निकलना है, अपना वक्त बदलना है, हम की मारा मारी है, कोशिश अपनी जारी है। यार में सब कुछ वारेंगे, इश्क में बाजी मारेंगे, चाहत की हर बात हसी, दोस्त नहीं तो कुछ भी नहीं, मंजिल तक तो जाना है, रास्ता बड़ा पुराना है, ल्यारी से किवाड़ी को नाप लिया, रास्ता हमने नाप लिया।